हेलो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों का भी सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम होने वाला था विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में, चाहे वो कॉमर्स के, चाहे आर्ट्स के, चाहे साइंस के स्टूडेंट है, जिनकी परीक्षा 19 अप्रैल को होने वाली थी और 20 अप्रैल को, तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने 19 अप्रैल की परीक्षा किसी अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी है। और मुझे लग रहा है कि जो आज छात्रों का बंद है उसके कारण ये परीक्षा स्थगित की गई है। तो ये एक नोटिस ये जारी किया गया, देखिए आपके सामने एक नोटिस दिया हुआ है जिसमें यहाँ साफ लिखा हुआ है कि 19/4 को जो परीक्षा होने वाली थी वो अपरिहार्य कारणों से बंद कर दी गई है। और एक और नोटिस की बात करें तो नीचे एक और नोटिस लाया है कि सेमेस्टर 5 परीक्षा 2020-23 के परीक्षार्थियों को या संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 20/4/2023 को होने वाली परीक्षा भी स्थगित की जाती है। ये दोनों परीक्षा भी रुक जाती है। अगले परीक्षा कब होगी इसकी तिथि अभी निश्चित नहीं की गई है। तो आप सब जुड़े रहिए हमारे चैनल पर, जैसे नए परीक्षा की तिथि आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, मैं सूचना दे दूंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि इसके बाद परीक्षा कब होगी, क्योंकि परीक्षा की तिथि जब परिवर्तित होती है ना तो बहुत सारे बच्चे का परीक्षा छूट जाता है, क्योंकि कभी कभी शिफ्ट चेंज हो जाता है। हर परीक्षा शाम में थी सेकेंड शिफ्ट में, और कभी कभी नई परीक्षा जो नई तिथि आती है वो फर्स्ट शिफ्ट में हो जाती है, जिसके कारण बच्चों को लगता है कि हमारा तो परीक्षा 1 बजे के बाद होगा और वो परीक्षा सुबह हो जाती है, तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों का परीक्षा छूट जाता है। आप ऐसे गलती ना करें, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी सही जानकारी पहुँच सके। थैंक यू।